हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन कुक विद एंडी। आज मैं बना रही हूँ सूजी से बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी नाश्ता। तो चलिए, से बनाने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज पसंद आए तो मेरे चैनल कुक विद एंडी पे सब्सक्राइब करें, ये बिल्कुल फ्री है। बेल आइकन पे क्लिक करें, बेल आइकन पे क्लिक करने से आप सभी को मेरी न्यू रेसिपीज की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेंगी। यहाँ पे मैंने पैन को गरम कर लिया है लो फ्लेम पे। अब मैं इसमें ऐड करूंगी पानी। यहाँ पे मैं 1/2 कप से 2 कप पानी ऐड करूंगी। नमक ऐड करेंगे स्वाद अनुसार। थोड़ा सा हम ऐड करेंगे जीरा और अजवाइन। 1/4 टीस्पून हम ऐड करेंगे कुटी हुई लाल मिर्च। 1 छोटा चम्मच हम ऐड करेंगे तेल। 1 मिनट के लिए हम पकने देंगे। 1 मिनट पकाने के बाद अब मैं इसमें ऐड करूंगी 1/2 कप सूजी। अच्छे से मिक्स करके मैं इसे 3 से 4 मिनट तक लो फ्लेम पे पकाऊंगी। सूजी को मैंने 3 मिनट तक पका लिया है इस तरह से मिक्स करते हुए। तो अब मैं गैस को बंद कर दूंगी और इसे एक बाउल में निकाल के इसे मैं ठंडा होने दूंगी। सूजी ठंडा होने के बाद मैं इसमें ऐड करूंगी 1 बड़ा बॉईल किया हुआ और ग्रेट किया हुआ आलू, पिंच ऑफ हल्दी, थोड़ा सा चाट मसाला, थोड़ा सा गर्म मसाला, थोड़ा सा हरा धनिया। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा तेल लगा के हम इसे चिकना कर लेंगे। थोड़ा सा पोर्शन लेंगे हम, इसे मैं किचन फ्लोर पे ही बनाऊंगी। इस तरह से हमें इसे बना लेना है। इसके बाद मैं इसे छोटे छोटे साइज में कट करूंगी। इसके बाद हमें इसे इस तरह से बना लेना है। सभी को शेप देके मैंने इसे तैयार कर लिया है। तो चलिए अब हम फ्राई कर लें इसे। मैंने यहाँ पे ऑयल को गरम कर लिया है लो टू मीडियम फ्लेम पे। अभी मैं फ्लेम को लो पे रखूंगी। सूजी के स्नैक जो हमने तैयार किए हैं वो इसमें डाल भी जाएंगे। इसे हमें गोल्डन ब्राउन और क्रिस्पी होने तक लो टू मीडियम फ्लेम के बीच में पकाना है। स्नैक बनके तैयार है, आप देख रहे हैं हल्का हल्का गोल्डन ब्राउन हो गया है। मैं इसे निकाल लूंगी पेपर नैपकिन पे। इसी तरह से और सभी को फ्राई करेंगे। सूजी का टेस्टी और क्रिस्पी नाश्ता बनके तैयार है। आप देख रहे हैं, दिखने में बहुत ही अच्छा दिख रहा है, खाने में उतना ही टेस्टी है। इसके सामने आप फ्रेंच फ्राइज भूल जाएंगे। एक बार ज़रूर ट्राई करिए, बच्चों को भी बहुत पसंद आएगा। बस एक बात का ध्यान रखना है, जब भी आप इसे फ्राई करने के लिए तेल में डालें तो तेल हमें गर्म चाहिए। लो फ्लेम पर तेल अगर होगा तो ये फट सकते हैं, मीडियम फ्लेम पर हीट होगा तो ये बहुत ही अच्छे से करारे बनेंगे। ये देखिए, बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। एक बार ज़रूर ट्राई करना और मुझे कमेंट करके बताना कि आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो कुक विद एंडी पे सब्सक्राइब करना ना भूलें। लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।